हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। हम सभी लोगों ने कटहल की अचार, कटहल के सब्जी बना करके खाए होंगे, लेकिन किसी ने कटहल की चटनी, खट्टी मीठी चटनी नहीं बना करके खाई होगी। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से कटहल और पपीते के साथ बनने वाली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। मैंने 1/2 kg कच्चा पपीता लिया था, जिसको अच्छे से मैंने इसको छील लिया था, और उसको छीलने के बाद ऐसे मैंने इसको के अंदर का जो बीज होता है वो सब अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद मैंने इसको ऐसे स्क्वायर में कट करके रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने 1/2 kg ऐसे कट खट्टे मीठे वाले मैंने आम लिए हैं, उसको भी मैंने ऐसे इसको मैंने स्क्वायर में मैंने इसको कट कर लिए थे। जो हल्के से जो खट्टे मीठे रहते हैं उसी आम का मैंने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें 300 ग्राम इसे मैंने कटहल लिया था। कटहल को मैंने भी ऐसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था, और पीसेज में कट करने के बाद उसको मैंने ऐसे धो करके रख लिया था। फिर आज हम खट्टी मीठी चटनी इन्हीं 3 इन्ग्रीडियंट से आज हम इसे बना करके तैयार करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा लाजवाब बनने वाली हमारी ये चटनी है। उसके बाद फिर मैंने एक पैन लिया, उसी पैन में ही मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें धनिया डाल दिया था। उसके बाद फिर इसी में मैंने 2 बड़े चम्मच से मैंने साबुत जीरा डाल दिया था, और इसमें 4 से 5 पैने साबुत लाल मिर्च डाल दिया था। इन मसालों को डालने के बाद हम अपने गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे, और लो टू मीडियम करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से हम भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ये जीरा और धनिया हल्का सा चिटकने नहीं लगता और मसाले भुनने की खुशबू नहीं आने लगती है। तब तक हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम इसको भुन लेंगे, और जब ये भुन जाएगा तो थोड़ा सा कलर भी इसका देखिए चेंज हो चुका है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको इस तरीके से एकदम महीन सा हम इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया है। उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई लिया, उसी कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल दिए थे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसी के बाद उसी में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा डाल करके इसको हम मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से हम इसको भुनने देंगे। और फिर इसी में ही हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी डाल करके अच्छे से हम इसको भुनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे मसाले और हल्का से जब ये चिटकने लगेगा, तो उसी में हम इसे 10 से 12 पीस इसमें साबुत लहसुन और 4 से 5 पीस इसमें साबुत सूखे लाल मिर्च डाल देंगे, और डाल करके अपने गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ये हमारा जो लहसुन है वो पूरा अच्छे से गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा लहसुन और मिर्चा जब एकदम अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम सबसे पहले इसमें पपीता डालेंगे, जो हमने कच्चे पपीते को धो करके काट करके रखा था। डाल करके अच्छे से हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, क्योंकि पपीते को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले पपीते को हम पका लेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनते रहेंगे, और ढक करके रख देंगे। ढक करके हम इसको भुनेंगे, ढकने से हमारा पपीता बहुत जल्दी ये गल जाएगा। और इसको मैं से बीच बीच में हर 2-3 मिनट बाद इसको बीच में ऐसे हम खोल करके चलाते रहेंगे, ताकि बिल्कुल भी हमारा पपीता जले नहीं और अच्छे से ये गल जाए। ये देखिए हमारा पपीता एकदम थोड़ा सा ये गल गया है। जब पपीता हमारा थोड़ा सा गल जाएगा, उसके बाद फिर जो हमने आम को काट करके रखा था और फिर जो हमने कटहल को भी अच्छे से काट के धो करके रखा, तो वो हम दोनों इसमें एक साथ डाल देंगे। मैंने इसमें आम की गुठलियों का भी यूज़ किया है, आप चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको हटा भी सकते हैं। इन दोनों को भी डालने के बाद हम इसको हल्का सा हम इसको चलाएँगे, और चला कर अपने करके अपने गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक हम इसको ऐसे भूनते रहेंगे। जब तक कि भुनेंगे, जब तक कि हमारा आम, पपीता और कटहल अच्छे से गल नहीं जाता है, तब तक हम इसको ऐसे ही ढक करके गला लेंगे, और इसको बीच बीच में ऐसे खोल खोल करके हम इसको चलाते भी रहेंगे, ताकि नीचे से जले भी नहीं और हमारा प्रॉपर अच्छे से ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए हमारे आम और पपीता एकदम अच्छे से गल रहे हैं। जब ये 80% तक गल जाएंगे, उसके बाद फिर जो हमने मसाला बना करके रेडी किया था वो हम मसाला उसमें पूरा एक साथ डाल देंगे, और डालने के बाद फिर इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें नमक डाल देंगे, और इसमें हम 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये थोड़ा तीखा, खट्टा, मीठा, चटपटा से ही हमारा चटनी बन करके रेडी हो रही है, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च का यूज़ किया। अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद है तो आप थोड़ा सा मिर्ची को कम भी कर सकते हैं। डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हम ऐसे ही ढक करके 1 से 2 मिनट तक हम इसको ऐसे भूनते रहेंगे, और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे, ताकि हमारे मसाले नीचे बिल्कुल जले नहीं, क्योंकि हमने मसाले को ऑलरेडी एकदम भून लिया था। जब हमारे मसालों के साथ अच्छे से कटहल अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें 1 कटोरी गुड़ डाल देंगे। डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे।
पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अपने गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तब तक के पकने देंगे जब तक कि हमारे कटहल, पपीता और आम अच्छे से गल नहीं जाते और जो हमने गुड़ डाला है वो अच्छे से दम पक नहीं जाता और पानी दम भी अच्छे से सूख नहीं जाता। तब तक कि हम इसको अच्छे से ऐसे ढक करके हम इसको बीच बीच पर ऐसे चलाते रहेंगे और चलाने के बाद हम इसको ऐसे छोड़ देंगे पकने के लिए। इसको बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा ना, तो एक लेयर के गुड़ एकदम जल जाएगी तो एकदम जला जला सा ये टेस्ट आएगा। इसको बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा पानी एकदम अच्छे से सूख चुका है और जो साइड साइड में लगे रहेगा उसको भी हम इसको अच्छे से निकाल देंगे और निकाल करके उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए एकदम पानी भी एकदम अच्छे से सूख चुका है, चटनी एकदम अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और कटहल, आम और पपीता एकदम अच्छे से पक चुका है, गुड़ भी एकदम अच्छे से गल चुका है। तो ये हमारी बहुत झटपट बनने वाली, हमारी आसान तरीके से खट्टी मीठी चटनी हमारी बन करके रेडी हो गई है। अब इस तरीके से आप इस चटनी को बना करके आप इसको फ्रिज में 10 से 15 दिन तक आप इसको बहुत ही आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी ये। और इसको आप इसको आलू के पराठे के साथ या फिर आप इसे नॉर्मल पराठे के साथ या फिर इसे खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है ये। और कभी भी आपको अगर सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन ना करे तो आप इस चटनी के साथ पराठे को खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो फिर बिना देरी किए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।